गुरु संसार निभा हम जो तव जिन्नेवरी अर्थ जी अर्थ है जो भय विनाश भव जो मन ममली ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साजी को मनमान श्री मंगलाचरण देवी देव नमस्कृत लोकालोके प्रकाशित प्रलोक्य भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च चिंते शुद्धेशद्भावपूरित संपूर्ण स्वयं रूपं रूहति बोलिए अच्छा प्रवर सद्वर संत धारण कर्म राज महाराज चलिए भैया आज वैसे ही स्वतंत्रता दिवस है और ये आवाज तो अपने को आएगी इसके बीच में अपने को अपना अध्ययन करना है सब एक साथ मंत्र उच्चारण करेंगे और सर्वोच्च जनेन्द्र परमात्मा के अमृत में ज्ञान था यह श्री तारण साहब का चार ग्रंथ राजी जिसका जिस ग्रंथ का वांछन अपन कर रहे हैं लगातार जहाँ आचार्य श्री मज्जन तारण स्वामी श्रावक के आचार विचार और क्रियाओं का सच्चा स्वरूप बताते कि श्रावक वास्तव में क्या है वास्तव में श्रावक के जीवन में कैसा आचार है कैसा विचार है कैसी उसकी साधना है इस संपूर्ण विषय को यहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहा भैया तारण तरण देव का कहना है परमेष्ठी साधनम कृत्वा जो भव्य आत्मा अपने परम इष्ट स्वभाव की साधना करता है अपने परम विकराग स्वभाव को अपनी साधना में अपनी आराधना में लेता है शुद्ध सम्यक धारणा में उस भव्य जीव की उस जीव की भावना शुद्ध सम्यक से शुद्ध सम्यक का अनुभव उसके अंतर में है शुद्ध सम्यक को उसने धारण कर लिया है ते नरा कर्म कृतम च वह नर इन समस्त कर्मों का अच्छे करके मुक्ति गामी ना संशया नियम से निर्वाण को प्राप्त करेगा इस बात में इस सत्य में कोई संशय है तो अपने को गाथा नंबर 460 सामने तो है हाँ ठीक नहीं ठीक है उसमें भी लिखी तो क्या कह रहे हैं वहां मुक्ति गामी ना संशय कि वह जीव मुक्ति में गमन करता है इस बात में कोई संशय है अब तारण स्वामी क्या कह रहे हैं कि सावधान आत्मा सावधान क्या गाथा नंबर 461 क्या कह रहे हैं त्रिविध ग्रंथम प्रोक्तम च साधम ज्ञान मयम ध्रुवम और
धर्मार्थम काम मोक्षम च प्राप्तम परमेष्टि नमः। अब क्या कह रहे हैं भैया, इस ग्रंथ में जो सार है, क्या सार है? तारण सम क्या कह रहा है? त्रिविधत गर्भ ग्रंथ वक्तम च, जो उन्होंने इस ग्रंथ को कहा भैया, मन वचन काय की एकाग्रता से, मन वचन काय का, मन वचन काय के योगों की चंचलता को छोड़ के उन्होंने इस ग्रंथ की जो रचना करी है वो काय के लिए करी भैया? ये तारण तरण शापचा लिखा क्यों है? आचार्य परमात्मा ने ये तारण तरण शापचा क्यों लिखा है? कह रहा है साधम ज्ञान मयम प्रभव, कि ये जीवात्मा इस तारण तरण शापचा को ग्रहण करके साधम ज्ञान मयम प्रभव क्या करे भैया? अपने ज्ञान में ध्रुव आत्मा की साधना करे, इसलिए ये तारण तरण शापचा लिखा। इससे क्या होगा? धर्म भैया, धर्म काम मोक्षम, कहते हैं ना धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इस संसार में चार, अपन कहते हैं इस संसार में चार बात है भैया, चार प्रकार की साधना है। आए कहेंगे चार प्रकार की साधना भैया, यहाँ जीव धर्म की साधना कर रहा है, अर्थ की साधना कर रहा है, काम की साधना कर रहा है, मोक्ष की साधना कर रहा है। ये अपन कहते हैं जीवन में चार चीजें हैं जिनको सब जीव साध रहा है। तो तारण स्वामी कह रहे हैं अपने ज्ञान में स्वभाव की साधना करना ही धर्म है, यही अर्थ है, यही काम है और यही मोक्ष, यही अपना कर्तव्य है। अपना कर्तव्य इंद्रिय विषय कसाय में लेना नहीं है, विषय वासना का पोषण नहीं करना नहीं है भैया। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि कब होगी? प्राप्तम परमेष्टि नमः। क्या करोगे भैया? जब अपन अपने इस परमेष्टि पद को प्राप्त कर लेंगे, अपने परमेष्टि स्वभाव पर आविष्कार कर लेंगे, तो धर्म अर्थ और काम की सिद्धि हो जाएगी। देखो धर्म अर्थ काम मोक्ष मतलब भैया, धर्म तो एक ही है वस्तु स्वभाव, अर्थ क्या है? प्रयोजन क्या? रत्नत्रय की साधना, काम से उन्होंने लिया है साधना। काम का मतलब है कि भैया उसको अनिवार्य मानना, उसमें रत रहना, और यदि कोई धर्म अर्थ और काम इन तीनों से परस्पर स्वभाव को साध रहा है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति। तो यहाँ तारण स्वामी की बात समझना अपने को, क्या बात समझना भैया? त्रिविध ग्रंथ प्रोक्तम च, इन ग्रंथों को जो तारण स्वामी ने उत्तम पाठ मध्यम पाठ जगत पाठ के लिए जो ये मार्ग दिया है भैया, तीन प्रकार के पात्रों की जो चर्चा करी है, क्यों करी है? आवृत्ति को क्या उद्देश्य दिया है, वृत्ति के लिए क्या मार्ग बताया है, और महावृत्ति कैसे अपने स्वरूप में डूबता है, इन सब की चर्चा क्या करी तारण स्वामी ने भैया? क्यों करी है? कारण ढूंढो कि तारण तरण सापकाचार क्यों लिखा, तारण तरण सापकाचार जी का उदय क्यों हुआ? क्योंकि तारण स्वामी की भावना क्या है भैया, कि प्राणी मात्र साधम ज्ञान मयम प्रभव, प्राणी मात्र अपने ज्ञान में स्वभाव की शाश्वत स्वभाव की साधना को जान, यह है लक्ष्य। प्राणी मात्र अपने वीतराग स्वभाव की आराधना को जान ले, प्राणी मात्र स्वयं के शाश्वत स्वभाव की अनुभूति को प्रकट कर ले। तारण स्वामी का एक ही लक्ष्य भैया कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये सब आत्म स्वभाव की साधना से ही है, नहीं तो इस संसार में ना कोई अर्थ है, ना कोई धर्म है, ना कोई काम है, ना कोई मोक्ष। इन चारों की सिद्धि कब होगी? जब जीव पंच परमेष्टि स्वरूप को अपनी इष्ट आत्मा को नमः प्राप्तम शब्द दिया, कि जब जीव इस पंच परमेष्टि पद को साध के इन पांचों पदों को प्रकट कर लेगा तो धर्म अर्थ और काम और मोक्ष सिद्धि हो जाएगी। होगी कैसे? ये मैं कैसे होगी? साधम ज्ञान मयम, कि अपने को अपने स्वभाव की गाढ़ी सत्ता है कि नहीं है, ज्ञान में सत्ता, में ज्ञायक में स्वभाव, ऐसी आत्म स्वभाव की, ज्ञान स्वभाव की अपने श्रद्धा है या नहीं, मैं ये पता लगा कि मैं मात्र ज्ञान मात्र तत्व हूँ, ज्ञान मात्र मेरा रूप है, ज्ञायक मात्र मेरी चेतना है, ऐसा सम्यक सिद्धांत है कि नहीं? यदि ऐसा सम्यक सिद्धांत है तो तारण स्वामी कह रहे हैं सार्धम ज्ञान में क्या करो, ऐसे ज्ञायक में स्वभाव की, ज्ञान में स्वभाव की साधना करो। क्यों करें ज्ञान में स्वभाव की साधना? कारण क्या है? ज्ञान में स्वभाव की साधना करने से क्या लाभ है? कह रहे हैं सार्धम ज्ञानमयम,
ऐसे ज्ञान में स्वभाव की साधना करोगे, ध्रुवम अपने शाश्वत स्वभाव को साधोगे, तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों की सिद्धि हो जाएगी। देखो अपन संसार में वैदिक संस्कृति में भी पढ़ते हैं, वैदिक संस्कृति में इन चार बातों को बहुत महत्व दिया है। धर्म, धर्म मतलब वो धर्म काय को कहते हैं भैया, जो अपना कर्तव्य है, जो ईश्वर आदि की पूजा है, वो से धर्म कहते हैं। वो अर्थ किसे कहते हैं, जीवन में जो अर्जन किया जाता पैसा, उसे अर्थ कहते हैं। वो काम किसे कहते हैं, जो भौतिक वस्तुओं का उपभोग किया जाता है, उसे काम कहते हैं। कह रहे भैया उनके लिए क्या है भैया, संसार में ईश्वर की पूजा करो और क्या बोलते हैं, धन अर्जन करो, सदाचार में उनका जीवन, जो धर्म धन का अर्जन करो, काम अर्थात इंद्रिय विषय भोगों की तृप्ति से अपना सुख में जीवन जियो, और अंत में उनका कहना है इस ईश्वर की भक्ति से और इस धर्म व्यवहार के अर्थ को और काम को, इन सब को प्राप्त करने के बाद में मुक्ति की प्राप्ति ही करनी। उन्होंने चार भागों में जीवन को बांटा। क्या बांटा भैया उन्होंने, कि धर्म को मूल में रखो, जीवन भर क्या बोलते हैं अर्थ की, अर्थ मतलब अपने संयोगों को, पैसे आदि को कमाओ, काम से अपने विषय आदि की तृप्ति करो, और मोक्ष से कह रहा है भैया ऐसे ईश्वर की भक्ति करते करते मुक्ति हो जाए। इस प्रकार से अन्य मतों में धर्म अर्थ काम और मोक्ष की बात कही गई। नित्यानंद स्वामी ने क्या कहा ये बताओ। नित्यानंद स्वामी ने क्या कहा, धर्म अर्थ और काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए आचार्य प्रवर श्रीमद जी नित्यानंद स्वामी क्या कह रहे हैं ये देखो, क्योंकि तारण स्वामी की बात अलग है। क्या कह रहे हैं तारण स्वामी, तारण स्वामी कह रहे हैं इन धर्म अर्थ और काम मोक्ष की सिद्धि अपने प्राप्तम परमेष्टि नमः, जब तुम प्राप्त कर लोगे, किसको प्राप्त कर लोगे, अपने परम इष्ट पद को प्राप्त कर लोगे, और उस परम इष्ट पद को नमः अर्थात उसी के आनंद में, उसी की अनुभूति में तुम समा जाओगे, अपने ज्ञान में स्वभाव की आराधना करोगे, तब धर्म की अर्थ की काम की और मोक्ष की सिद्धि हो जाएगी। ये चारों सिद्ध हो जाएंगे भैया। क्या, क्योंकि कौन सा धर्म, कौन सा अर्थ और कौन सा काम, अर्थात धर्म मतलब वस्तु स्वभाव धर्म, अर्थ मतलब प्रयोजनी रत्नाग्रे इनकी साधना करना अर्थ, काम मतलब इन अपने सट आवश्यक को या फिर ऐसी साधना को ही अपनी क्रिया मानना, ये काम, और भैया इसका फल है मोक्ष। व्यवहार वाले अर्थ से मुक्ति नहीं होगी, व्यवहार वाले ईश्वरवाद वाली भक्ति से भी मुक्ति नहीं होगी, बाहर वाले काम से तो मुक्ति हो ही नहीं सकती। और मोक्ष तो भैया कोई काल्पनिक दुनिया का नाम मोक्ष नहीं है, कोई सोलवेश्वर अर्थात कोई नारायण की शरण में मोक्ष नहीं है, बाहर में किसी क्या बोलते हैं व्यवहारिक वस्तु का नाम मोक्ष नहीं है। मोक्ष क्या है, प्राप्तम परमेष्टि नमः, अपने अंतर आत्म स्वभाव की अनुभूति को अपने अंतर से प्रकट कर लेना, अपने परम इष्ट पद को प्राप्त कर लेना और उसी में विलीन हो जाना, नमः उसी के आनंद में रत हो जाने का नाम क्या है भैया, मोक्ष। मुक्ति अंतर से प्राप्त होगी भैया। और तारण स्वामी के अनुसार धर्म की अर्थ की काम की और मोक्ष की साधना करो, ये तारण तरण साहब का चार में कहा, क्योंकि अपन संसारी जीवों से जब बात करते हैं, संसारी जीवों से अपने बुजुर्गों से बात करो या फिर संसारी जीवों से बात करो, तब क्या क्या कहते हैं भैया, अरे भैया धर्म में लगे हो, अर्थ काम और मोक्ष चारों साधनाएं कर ली। आप बात करो किसी से भी, किसी विद्वान से, पंडित से बात करो, तो वो अर्थ काम की बात तो विशेष बल देते हैं और ईश्वर बात की भक्ति को धर्म मानते हैं, और फिर कहते हैं इसी से मोक्ष की प्राप्ति होगी। मतलब तुम जो घर गृहस्थी का पालन पोषण कर रहे हो, जो तुम अर्थ कमाने में अपना जीवन निकाल रहे हो, वो इसी को कर्तव्य मानते हैं कि ये अपना कर्तव्य है और इस कर्तव्य से ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। भैया अपन जैन जगत कहता है कि इस जगत में प्रत्येक ग्रह स्वतंत्र है, प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, कोई किसी का कुछ कर सकता नहीं। ये बाहर का अर्थ तो और ये बाहर का काम तो ये सब पुण्योदय की वस्तु है, पुण्योदय की क्रिया है। इस अर्थ, इस क्या बोलते हैं, इस लौकिक अर्थ से, लौकिक काम से या व्यवहार धर्म से
इससे मोक्ष होने वाला नहीं है। जैन धर्म बिल्कुल अलग बात कहता है। फिर जैन धर्म क्या कहता है कि तू आकर्ता है, तू आभोक्ता है, तेरे को इस संसार में करने जैसी कोई क्रिया है ही नहीं। तो भैया वीतराग धर्म में धर्म क्या है? वस्तु स्वभाव। वीतराग धर्म में तारण स्वामी ने अर्थ किसको कहा? अर्थ में रत्नाकर स्वभाव। तारण स्वामी ने काम किसको कहा? कह लगे इसकी साधना, इसमें कर्तव्य, अपना ये कर्तव्य मानना कि आत्म कल्याण करना ही मेरा प्रथम कर्तव्य है, यही तुम्हारा अतीन्द्रिय आत्मा का भोग ही तुम्हारा काम है। और यदि इस धर्म अर्थ और काम की क्या कहते हैं संयुक्त अर्थात आराधना में लगे रहोगे तो मोक्ष, मोक्ष जीवन का परम लक्ष्य। अपन जब सात तत्वों का श्रद्धान की बात करते हैं तो मोक्ष को अंत में परम उपाधि कहते हैं, परम उपाधि, पूर्ण उपाधि। क्यों भैया? क्योंकि जीवन का इस संसार में आराधना का अंतिम लक्ष्य है मुक्ति, मोक्ष। अंतिम लक्ष्य भी वही है और पहला लक्ष्य भी वही, उसी के आश्रय से साधना प्रारंभ होती है। पता अच्छा, यदि कोई मुक्ति नहीं चाहे तो वो आत्मा क्यों ध्याएगा? यदि कोई जगत के जन्म मरण से छूटना ना चाहे तो वो आत्मा क्यों ध्याएगा? यदि कोई संसार के दुख से छूटना ना चाहे तो वो आत्मा क्यों ध्याएगा? अच्छा बताओ, आज जो हमारा सुबह से लेकर शाम तक का जीवन है वो धर्म अर्थ काम और काम के लिए है कि नहीं? अपन भी मंदिर आ रहा है, अपन इसे धर्म मान रहा है, अर्थ धन दौलत पैसा जोड़ रहा है इसे अर्थ मान रहा है, और काम तो विषय भोग संतुष्टि में अपन लगे हैं तो अपन इसे काम मान रहा है, और इसी से मुक्ति होगी मोक्ष ऐसा भी मान रहा है। भैया परिवार का पालन करना भी तो जरूरी है, संयोगी अवस्थाओं में रत रहना भी जरूरी है, तो अपन भी तो आज धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चार चीजों के लिए लगे हुए हैं, लेकिन सम्यक तरीके से नहीं लगे। बस किसी से पूछो भैया, यदि पापी से पापी जिससे भी पूछो कहाँ जाना है, मोक्ष जाना सबके, तो चार ही चीज है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं धर्म मानता है, कोई ना कोई कहीं कोई भैया कुछ ना कुछ में अर्थ की कमाई में अर्थात बाहर के प्रयोजन को सिद्ध करने में लगा है, काम के लिए सब आतुर है, और मोक्ष क्या मानते हैं भैया? इस लौकिक कर्तव्य से मुक्ति की प्राप्ति। लेकिन तारण स्वामी का जो देश है, तारण स्वामी की जो बात है वो बिल्कुल अलग है। क्या है धर्म? ये संसारियों का है कि बाहर में सुख बढ़े, शांति, इंद्रियों का सुख बढ़े, बाहर की शांति बढ़े और समृद्धि बढ़े, बाहर की सब समृद्धि, मतलब ये सारे जो अपन आशीर्वाद बाहर में देते हैं सुख से शांति से समृद्धि से रहो, तो ये सब लौकिकता के हैं, सब लौकिक शांति को ढूंढ रहे हैं लोग, भाई हमारी मन मर्जी होती रहे तो हमारे मन को शांति मिली रहे, या फिर हमारा पैसा धन दौलत बढ़ता रहे तो हमें शांति मिली रहे, तो सुख बाहर के सुख शांति समृद्धि चाहिए जीवों का। हाँ, जैसे अपने कल रात में खाते का विशेष ग्रंथराज जी में आनंद स्वामी ने कहा था ना, क्या सिद्धि संपत्तम, अरे समृद्धि और सिद्धि तो मुक्ति सिद्धि संपत्तम, समृद्धि और सिद्धि तो अंतर आत्मा की है, समृद्धशाली और अपना अनंत संपदा का स्वामी तो अपना सिद्ध स्वभाव है, समृद्धि बाहर है कहाँ, शांति बाहर है कहाँ, क्या बोले सुख बाहर है कहाँ, लेकिन अज्ञानता बस ये जीव धर्म अर्थ काम मोक्ष को बाहर ही मान रहा है, बाहर ही इनकी साधना कर रहा है, इसलिए अनादि काल से संसार परिभ्रमण नहीं चल रहा। और आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं सारनम ज्ञानमयम भ्रमम, कि हे भव्य आत्मा ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि बाहर नहीं होगी। काय के लिए संसार भाव से लेता है। हाँ, जीव का जीव देखो जैसी मति वैसी गति कहते हैं ना, जैसी उसकी दृष्टि वैसी उसको देखता है, तो जीव की दृष्टि ही धन दौलत पे लगी हुई, जीव है इसकी दृष्टि काय पे लगी हुई भैया, जीव की दृष्टि ही धन दौलत में लगी हुई है, उसे धन दौलत ही प्रिय है और धन दौलत को ही इष्ट मान रहा है, इसलिए ये जीव धन दौलत को इष्ट मान रहा है, इसलिए उसको भैया धन दौलत की रुचि है, धन दौलत को इष्ट मान रहा है, उसकी दृष्टि धन दौलत में ही फंसी हुई है, और
हाँ बस रुचि अनुगामी उसका पूरा उपयोग वहां लगा होगा। ऐसे कहा भैया धर्म अर्थ काम और मोक्ष, भैया इन चार का साधन करना इस संसार में। इससे कहा धर्म का अर्थ का काम का मोक्ष का इन चार का साधन करना, इन चारों को बाहर दिखता है। धर्म भी बाहर दिखता है, मंदिर में पूजा पाठ कर ली, क्रिया कर ली, ईश्वर बात से ईश्वर की भक्ति कर ली, तो बोलना भैया ये धर्म हो गया। अर्थ अर्थ की बात करो तो धन दौलत पद परिवार, इसको अर्थ मान लिया भैया, ये हमारा अर्थ है। काम की बात करो तो लौकिक कर्तव्य इसका काम है, इसके विषय भोग इंद्रिय भोग इसका काम है, और केवल किसी से मुक्ति होगी। ये अज्ञानवाद, ये लौकिकता में फैला हुआ अज्ञानवाद है, और इस लौकिकता में फैले हुए अज्ञानवाद को, इस लौकिकता में फैले अज्ञानवाद को ही ज्ञान मान लेना, या इन धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि में ही अपना पूरा जीवन नष्ट कर देना, ये सब अज्ञानी जीवों का काम। अज्ञानी जीव करते हैं कि अपने मन मन माने के अनुसार इस धर्म अर्थ और काम और मोक्ष की सिद्धि करते हैं। ये लौकिकता का अज्ञान भाव है। तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, हाँ कारण स्वामी कह रहा है सार्धम ज्ञान मतलब ऐ जीवात्मा बाहर के धर्म अर्थ और काम और मोक्ष से कुछ नहीं होगा। फिर क्या धर्म तेरा हितराग लक्षण है, धर्म तेरी ज्ञान में चेतना है। धर्म अर्थ भैया अर्थ प्रयोजनी रत्नत्र स्वभाव, एक बात स्वीकार करो कि हमारा जीवन वास्तव में इसीलिए है, हमारे अंतर आस्था में धर्म का सिद्धांत भगवान के द्वारा कहा वस्तु स्वरूप का सिद्धांत, ये हमारा धर्म है। वीतराग केसरिया जो ध्वजा है, भगवान की जो वीतराग वाणी है, इसको स्वीकार करना हमारा धर्म है। केसरिया ध्वजा के नीचे अपना जीवन व्यतीत करना ये अपना धर्म है। भैया जब ये धर्म है तो फिर अर्थ क्या, अर्थ किसे मानोगे, धन को दौलत कमाने को, ये कांच के टुकड़े पैसा ये बाहर की संपदा जोड़ने को, इसको धर्म मानोगे, कैसे मानोगे? अरे अर्थ है जीव का रत्नत्रय में इन सम्यक दर्शन रूपी रत्न को प्राप्त करना अर्थ है, सम्यक ज्ञान रूपी रत्न को प्राप्त करना अर्थ है, सम्यक चारित्र रूपी रत्न को प्राप्त करना अर्थ है। लेकिन अज्ञान भूलवश अपन ने क्या मान लिया भैया, अर्थ कैसे मान लिया, नोटों की गड्डी को जोड़ना अर्थ है, हीरे मोती सोना चांदी इन जवाहरात को जोड़ना अर्थ है, जबकि अर्थ है ही नहीं। ये जो बाहर का जो अर्थ अपने को दिखाई दे रहा है धन दौलत रुपया पैसा, ये अर्थ तो यहीं का यहीं विलायमान होने वाला है, यहीं का यहीं नष्ट होने वाला है। इस अर्थ की साधना से क्या मिलेगा ये बताओ, और अनंत काल से इस बाहर के अर्थ को साधते रहे, इस बाहर के इंद्रिय विषय वैभव को साधने में लगे रहे, इन धन दौलत को जोड़ने में लगे रहे, तभी तो आज तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई। अज्ञानी क्या मानता भैया, ईश्वर की भक्ति धर्म है और पुत्र परिवार के पालन पोषण के लिए अर्थ अर्थात इन पाप परिग्रह को जोड़ने का नाम इसे साधना मानता है। लोग कहते हैं ना परिवार के प्रति भी तो कर्तव्य है, परिवार को साधना भी तो कर्तव्य है, मना नहीं कर रहे, ये नहीं कह रहे कि परिवार में तुम लड़ो झगड़ो, लेकिन साधना कैसे मानता है, बच्चों के पालना पैसे को कमाना दुकान चलाना भोजन बनाना इसे साधना मानता है। और काम अर्थात जो इच्छाएं उत्पन्न हो रही है, जो अनेक प्रकार के कर्तव्य मान रहा है भैया, उस काम को मानता है कि ये मेरी साधना। तो और कहता है इसी से मोक्ष होगा, और विपरीत मानता था। देखो ईश्वरवाद की भक्ति पैसा कमाने में लगा है, उसे अपना कर्तव्य मान रहा है, और काम से इंद्रिय विषय भोगों की संतुष्टि में लगा है, अपने अज्ञान का रस पी रहा है, मोह माया में डूबा हुआ है, और क्या कह रहा है इस लौकिक कर्तव्य से ही निर्वाण की प्राप्ति हो जाए, ईश्वर की भक्ति से ही मोक्ष मिल जाए। तारण स्वामी ने इस अज्ञान को फाड़ के फेंका है, तारण तरण शाकाचार्य जी में आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी ने इस अज्ञानता को निकाल के बाहर फेंक दिया, और क्या कहा भैया वास्तव में सार्धम ज्ञानमय ध्रुवम, जो भव्य आत्मा, जो तीन प्रकार के पात्र, भैया पात्र के लिए है ये, जो तीन प्रकार के पात्र इस ग्रंथ में कहे गए हैं, उन तीन प्रकार के पात्रों को लेकर कह रहा है, जो ज्ञान में स्वभाव की साधना करते हैं, कैसे ज्ञान में स्वभाव की, अपने अभेद अपने शाश्वत ज्ञान में स्वभाव की साधना करते हैं, उनके लिए क्या कहा है, धर्म अर्थ काम मोक्षम चा,
उन्हें धर्म की, अर्थ की और काम की और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनके चारों सम्यक है। क्यों सम्यक है? प्राप्तां परमेष्ठी नमः, क्योंकि उन्होंने अपने परम इष्ट पद पंच परमेष्ठी पद को प्राप्त कर लिया है। नमः उसमें लीन है, पंच परम पदों को जिनने प्राप्त कर लिया है उन्हें धर्म अर्थ और काम और मोक्ष की सिद्धि हो गई। अपने को ही की नहीं, बाहर वाले नहीं अंदर वाले। क्योंकि दयानंद स्वामी ने कहा प्राप्तम परमेष्ठी नमः, जिन्होंने जिन्होंने इन पंच परमावगम अर्थात पंच पदवियों को अनुभव से प्रकट कर लिया, उन भव्य आत्माओं ने धर्म की, अर्थ की और काम की और मोक्ष की सिद्धि कर ली। यदि आप ये कह रहे भैया हम तो रोज मंदिर आते हैं, हमने तो बहुत पैसा जोड़ लिया, हम तो भैया अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाते हैं, इससे यदि हमारा मोक्ष हो जाए, यदि ऐसी उल्टी मानतापन रख रहे हैं तो तीन काल में भी हित होने वाला मानना तो तारण स्वामी की बात ही पड़ी। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये सब आत्म साधना के लिए कहे तारण स्वामी। तुम्हारा धर्म वीरराग धर्म वस्तु स्वभाव है, तुम्हारी चेतना है, तुम्हारा अर्थ तुम्हारा प्रयोजनी दर्शन ज्ञान चरित्र का परिणाम है, तुम्हारी ज्ञान में परिणति तुम्हारा अर्थ है और तुम्हारा काम इस स्वभाव की साधना करना है। शरीर को आत्म साधना में लगाना है, तप में लगाना है, अपनी अंतर आत्मा की अनुभूति को प्रकट करने में लगाना है, ये तुम्हारा काम है और मोक्ष इसी से होगा। इसके अलावा मुक्त स्वरूप आत्मा की अनुभूति के अलावा कहीं निर्वाण होने वाला बता। धर्म अर्थ और काम मोक्ष जो तारण स्वामी ने कहा, यदि घर के कर्तव्यों को आकर्ता भाव से करते हैं कि मैं नहीं करता और भगवान की आज्ञा अनुसार छह काय के जीवों पे अनुकंपा पूर्वक करते हैं तो भैया तो फिर भी आपका काम आपका जो कर्तव्य एक कर्तव्य तो होता है एक कर्तव्य होता है, तो जैन धर्म कर्तव्य से विमुख नहीं करता, कर्तत्व से विमुख करता। जो वर्तमान भूमि का कर्तव्य है कर्तव्य होता है विवेक पूर्वक भेद ज्ञान पूर्वक छह काय के जीवों पे अनुकंपा पूर्वक, एक होता है कर्तव्य और एक होता है कर्तत्व। कर्तत्व वाला मिथ्या दृष्टि है, न उसे धर्म की सिद्धि होती है, न अर्थ की सिद्धि होती है, ना काम की सिद्धि होती है, ना मोक्ष की सिद्धि होती है। एक कर्तत्व है कि वो मैं ही करता हूं अपनी कर्ता बुद्धि से और अपनी अज्ञान बुद्धि से उन राग आदि विकारी परिणाम ये बाहर के परिणाम में जुड़ के पूरा काम करता मैं ही करता हूँ। ऐसी विकृत मानसिकता अर्थात मिथ्या सहित कर्तत्व के भाव सहित करता है और एक कर्तव्य करता है। वर्तमान में मेरी जो भूमिका है आवृत्ति यदि मैं श्रावक हूँ तो छह काय के जीवों की अनुकंपा सहित जो मेरे संयोग है उन संयोगों के साथ उचित व्यवहार करता वो कर्तव्य है। वो जैन धर्म कभी भी कर्तव्य से विमुख नहीं करता, कर्तत्व से विमुख करता। जैन धर्म कभी भी ये नहीं कहता कि तुम भोजन मत बनाओ, लेकिन ये कहता है अवक्ष मत बनाओ। जैन धर्म ये नहीं कहता कभी भी कि भोजन करना छोड़ दो, लेकिन जैन धर्म ये कहता है कि सूर्य अस्त के 48 मिनट पहले भोजन कर लो। वो आपके कर्तव्य नहीं छोड़ाता, वो आपकी कर्तत्व बुद्धि छोड़ाता। देखो भैया संसार के जीव भी धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए व्यवहारिक चर्या करते हैं लेकिन वो कर्तत्व सहित करते हैं, इसलिए वो धर्म भी मिथ्या उनका, उनका अर्थ भी मिथ्या, उनका काम भी मिथ्या है और मोक्ष तो कभी हो गई नहीं। क्यों? क्योंकि वो कर्तव्य करते हैं, कर्तव्य कर्तत्व सॉरी वो कर्तव्य वो सॉरी वो कर्तत्व से कर्म वो कर्तत्व सहित कर्म करते हैं, कर्म करने को अपना धर्म मानते। भैया परिवार का पालन पोषण करना हमारा धर्म है, अर्थ कमाना हमारा धर्म है, काम करना हमारा धर्म है, ईश्वर की भक्ति करना हमारा धर्म है, इसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अज्ञानी जीव ऐसा मानता है, क्यों मानता है? क्योंकि कर्तत्व की बुद्धि है। काय की बुद्धि है? कर्ता बने की बुद्धि, कर्तत्व है उसे, अर्थात पर संयोग में मैं बना है, मिथ्या का पोषण है कि ये जगत का सारा परिणाम मैं करता हूं। देखिए भैया एक कर्तव्य करता है, मतलब भैया आप पिता है तो बच्चों का पालन करना है, लेकिन कैसे करना है भैया?
अच्छे से करना है, अच्छे से अच्छा करना है, लेकिन संस्कार देते हुए करना है, खुद भेद ज्ञान पूर्वक करना है। उसे पुत्रवत प्रेम लेने के लिए मनाई नहीं है, पुत्रवत प्रेम ऐसा दो वात्सल्य वाला, वात्सल्य मतलब भैया साधर्मी के प्रति वात्सल्य वाला, ऐसा ऐसा कर्तव्य का पालन करो कि वो अरिहंत और सिद्ध बन जाए। ऐसा नहीं वो व्यसनों में, पापों में, हिंसा में, वो मायाचारी में, धन की लोलुपता में लगा रहे, ऐसा पालन नहीं करना। पुत्र का पालन करना भी धर्म हो सकता। हमें दोपहर में चर्चा करी थी जब हम वात्सल्य वैय व्यक्तिकरण की चर्चा कर रहे थे, चार पांच दिन पहले की बात है, वैय व्यक्तिकरण की जब हम चर्चा कर रहे थे, हमने विषय को बहुत विस्तार से लिया था। पति की सेवा करना, पत्नी की सेवा करना, वृद्ध माता पिता की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, ये सब वैय व्यक्तिकरण हो सकता है, सोलह काम भावनाओं के अंतर्गत हो सकता है, तीर्थंकर कर्म प्रकृति के वंदने का कारण हो सकता है। लेकिन कब हो सकता है? जब कर्तव्य बुद्धि से ना किया जाए, तब कहां से किया जाए भैया? जीव मात्र समझ के वात्सल्य भाव से किया जाए, प्राणी मात्र समझ के वात्सल्य से किया जाए, धर्म में परायण होकर किया जाए, वस्तु स्वभाव का निर्णय करके किया जाए, सम्यक तत्व का विचार करके किया जाए, तो इन सब परिवार का पालन पोषण, ये सब निर्माण में कारण हो सकता है। तारण सभी उसी धर्म अर्थ काम और मोक्ष की बात कर रहे हैं, जो मोक्ष में कारण बने। लेकिन याद रखना, मोह छोड़ना पड़ेगा। बच्चे रात में नहीं खा रहे तो जबरदस्ती मुंह में नहीं ठूसना पड़ेगा, अवक्ष नहीं बनाना पड़ेगा, उसके लिए बहुत वात्सल्य से, बहुत वस्तु स्वभाव की गहरी निष्ठा चाहिए कि अपना मोह सामने ना आए, सामने जीव आत्मा रहे। वो जीव है और उस जीव को कल्याण उसके हित वीतराग धर्म की स्वीकारता करने में है। बच्चों को धन कमाने की प्रेरणा देने से अच्छा उन्हें धर्म करने की प्रेरणा दी जाए, तो वो धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों की सिद्धि करके इस संसार के दुखों से छूट सकते। लेकिन अपन उन्हें काय की प्रेरणा देते हैं, अर्थ नोट कमा, काम परिवार बसाओ, परिवार का पालन करो, इसी को कर्तव्य, इसी कर्तव्य को अपन कर्तव्य बताते हैं। जबकि कर्तव्य अलग है, धर्म के साथ कर्तव्य का पालन सदाचार में और अच्छे से होता है, बिना राग द्वेष और बिना आकुलता के होता है। लेकिन धर्म यदि जीवन में ना हो तो कर्तव्य बुद्धि हो तो फिर परिवार का पालन भी लड़ाई झगड़े कले कलेश मार काट और बेमानुषता अनाचार और अज्ञान के साथ। धर्म जीवन में हो तो समाज का व्यवहार भी समीचीन होता है, आनंद भरा होता है, बिना वैर विरोध का होता है। जीवन में धर्म ना हो तो समाज का व्यवहार भी तो आपको पता ही कैसा है। इसलिए धर्म मूल में आए, आए मैं भैया धर्म अपने मूल में आए, धर्म अपन धर्म को अपन मूल में स्वीकार करें, धर्म को अपन अंतर से मूल में मूल स्वरूप में अंगीकार करें तो अपनी मुक्ति का मार्ग, धर्म को मूल में स्वीकार करेंगे तो मुक्ति का मार्ग बनेगा, धर्म को मूल में स्वीकार नहीं करेंगे तो इस जगत में कोई कुछ करने वाला। कहता है भैया कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, ये मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, तो करने मना कौन कर रहा है? आचार्य परमात्मा यही तो कह रहे हैं कि तू करता है ही नहीं, तू मान मान के मर रहा है कि मैं कर रहा हूँ। तेरे सारे दुख इसीलिए है कि तू करता अपने आप को मान रहा, तू कर्तव्य की बोझ मानता को लाद के बैठा हुआ है। तुझे ये निर्णय हो जाए कि पुत्र भी अपना भाग लेके आया है, पति भी अपना भाग लेके आया है, माता पिता भी अपना भाग लेके आया है, सास ससुर भी अपना भाग लेके आया है, और मेरे लिए तो ये सब जीव है, मुझे इन सबके साथ वात्सल्य से प्रेम से और इनकी सेवा करना है। क्यों? क्योंकि इनकी सेवा करना वैय वृत्ति है, आत्मा की सेवा करना वैय वृत्ति है, और आत्मा की सेवा करके जो वैय वृत्ति करेगा उसको धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्या मानो जीव मान के करोगे तब, लड़की मान के करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। मोह को मिथ्यात को त्याग के करोगे तब वो सब पाप आश्रम में कारण नहीं बनेगा।
मोह और मिथ्या को सामने रख के करोगे तो आपकी सारी क्रिया पाप आश्रम में। गजब का विज्ञान है जैन का, कुछ छुड़ाता नहीं है जैन, सब कुछ छुड़ा देता है। ऐसी गजब की बात है, ना घर छुड़वाएगा, ना परिवार छुड़वाएगा, ना पुत्र छुड़वाएगा, ना बच्चे छुड़वाएगा, कुछ छुड़वाता नहीं है लेकिन सब कुछ छुड़वा देता है। बाहर में लगता है कि सबके बीच में रह रहा हो लेकिन अंदर से कुछ अपना आस्था ही नहीं। ऐसा अलौकिक अद्भुत आश्चर्यकारी ये धर्म है विप्राप्त। ये रहोगे परिवार के बीच में और रहोगे जैसे कीचड़ में कमल है, देखा सबके बीच में है लेकिन खिला खिला। भगवान जी आज अपना शरीर जल्दी थक जाता है, आज अपन सेवा नहीं कर पाते, या अपन कहते भैया सेवा करने का टाइम नहीं है, तो ये इसलिए हमारे मन में इतनी कसाय है कि हम अपनी कसायों से इतने थक जाते हैं कि हमारे शरीर की एनर्जी भी खत्म हो जाती है। और जहाँ मन नहीं हो वहाँ कोई काम मोबाइल चलाने का टाइम है, भी कथा करने का टाइम है, और यहाँ वहाँ के गप्पे लगाने का टाइम है, पार्टियों के लिए टाइम है, लेकिन अपने ही बड़ों की सेवा करने के लिए टाइम। कसाय से, मान से, अहंकार से अपनी आत्मा इतनी कसी हुई है, इतनी कसी हुई है कि अब उस मायाचारी उस मान की जो परिणति है, जब उसे अलग करे जीव जब तो वात्सल्य भाव आए, और जब उसे जीव माने तब तो सेवा करे। अब जब जीव ही नहीं मान रहा, कसाय मंदी नहीं हो रही, वात्सल्य भाव कहाँ से आएगा? और वात्सल्य नहीं आएगा सेवा कैसे करे? खुद सेवा करते नहीं है, अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं सेवा करें। तो तुमने उन्हें कसाय के अलावा बांटा क्या है? तो भाई सेवा करेंगे वो वेंटिलेटर पे सबसे महंगे हॉस्पिटल में पटक देंगे, ये सेवा है। ना तुम्हारे प्रेम से मतलब, ना दो शब्द मीठे बोलने से मतलब, और ना तुम्हें स्नेह से मतलब, उनके लिए तो जीते जी भी मुर्दा। वही तो कह रहा है कि नौकर नौकरानी लगा देंगे जब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन बस समझ में नहीं आ रही, अपन ने प्राणी मात्र से प्रेम करना सिखाया नहीं। जैसे वो आलू में जीव नहीं मान रहे ना, जैसे वो जल पानी को जीव नहीं मान रहे ना, वैसे वो बुढ़ापे में तुम्हें भी जीव नहीं मान रहे। वो तो कह रहे बुढ़ा बुढ़िया है मार जाए तो अच्छा, सीधी बात। जब तुमने उन्हें वात्सल्य सिखाए नहीं, तुमने जब उन्हें धर्म सिखाए नहीं, जब तुमने वीतरागता की उन्हें आकर्षित किया ही नहीं, तो फिर वो तुम्हारी सेवा कैसे कर सकते हैं? बिना प्राणी मात्र वात्सल्य के कोई सेवा करने वाला। वात्सल्य करना सिखाओगे, धर्मी धर्मात्माओं के प्रति अनुराग सिखाओगे, धर्म से अनुराग सिखाओगे, तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों की सिद्धि हो जाए। करना है कि नहीं करना? काय की सिद्धि? हाँ, धर्म की, अर्थ की, काम की और मोक्ष। जब तक अपन अपने अंतर स्वभाव की ओर रति नहीं करेंगे, जब तक अपन अपने ज्ञान स्वभाव की ओर रति नहीं करेंगे, तब तक धर्म अर्थ और काम की सिद्धि नहीं होगी। और ये बार बार कह रहे हैं, कब तक इस जड़ संपदा को अर्थ मानोगे? कब तक इंद्रिय विषय भोग को अपना काम मानोगे? इस इंद्रिय विषय भोग से इससे ही मेरी तृप्ति होगी। कब तक इस बाहर की पूजा पाठ को धर्म मानोगे? भगवान जी इससे तीन काल में मुक्ति होने वाली है। फिर क्या करें? तारण स्वामी की बात मानोगे कि नहीं? क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? कर्तव्य बुद्धि से कर रहे हो, अर्थात कर्तव्य भाव से इस संसार के पुत्र परिवार के पालन पोषण लगे हो, या फिर कर्तव्य निभा रहे हो? कर्तव्य निभा रहे हो तो निर्दोष, तो मोक्ष के अधिकारी। लेकिन कर्तव्य बुद्धि से कर रहे हो तो फिर निगोय वासा। बताओ क्या कर रहे हैं? निगोय वासा ना, एक कर्तत्व का भाव निभूत क्यों ले जाएगा? परद्रव्य को परिणमन कराने की इच्छा, परद्रव्य में गाढ़ा मोह, परद्रव्य से गाढ़ा राग, ये नीचे निभूत की ओर ले जाएगा। और जीवात्मा जिस दिन तुझे बोल आ जाएगा कि मैं किसी का कुछ करता नहीं, भैया नहीं करता तो फिर क्यों बनाऊं? अरे वात्सल है कि घर में पति बच्चे और सास ससुर है तो उन्हें भोजन कराना है, वात्सल है कि आत्मा की सेवा करने की, इसलिए भोजन बनाना, आवश्यक नहीं बनाना। अपन भी धर्म के मार्ग में लगे रहना है और उनसे भी धर्म परायण कराना है। वात्सल है, ये प्रेम है,
ये अंतर से वात्सल्य की भावना है और ये वात्सल्य हमेशा जीवन को ऊपर उठाता है। जैन धर्म में कहीं भी नहीं लिखा कि सेवा मत करो। अरे जैन धर्म में तो उल्टा 16 कर्म भावनाओं का विधान है कि जो जीव स्व के कल्याण के साथ साथ पर के कल्याण की भावना करता है वो तीर्थंकर जैसी पदवी को प्राप्त करता है। यहाँ तो वात्सल्य की महिमा है, जिसमें जितना वात्सल्य है वो इतना ऊपर उठता है। और जैन धर्म तो वैसे कर्ण विधान वात्सल्य की पूरी कहानी जैन धर्म है। देखिए भगवान जी, अपन इस वात्सल्य को जानते भी नहीं, अपने को इस वात्सल्य के बारे में पता है कि नहीं पता, इसलिए अपन कर्तव्य की जगह कर्तत्व बुद्धि का उपयोग कर। देखो बुद्धि पूर्वक रोटी बनाने का निर्णय करना पड़ेगा कि मैं रोटी बनाऊ, क्या बनाऊ, कितनी साफ सफाई से बनाओ, कितनी मर्यादा से बनाओ, अवक्ष को ना बनाओ, ये बुद्धिपूर्वक निर्णय करना पड़ेगा। लेकिन ये मैं कर रहा हूं इसलिए नहीं, क्योंकि ये जिनेंद्र देव की आज्ञा है इसलिए कर रहा हूं। तो तुम पूरे पाप से परी, मैं कर ही नहीं रहा, ये मेरा थोड़ी ना है, ये तो सर्वज्ञ की आज्ञा है और आवृत्ति की भूमिका में ऐसा मेरा परिणाम है। तब तुम सर्वज्ञ की आज्ञा का पालन करके भोजन बना रहे हो तो इस ब्रह्मांड में तुम्हें कोई संसार में रखने वाला। लेकिन भाई काय के लिए बनाते हैं, चरने के लिए और चराने के लिए। तो भैया इस संसार में मुक्ति ले जाने वाला कोई दूसरा है? आपको अपना खुद निर्णय करना भैया। आप भैया चरने के लिए कर रहे हो, चराने के लिए कर रहा हो, चारा डालने के लिए कर रहा हो, भक्षा भक्ष का बिना न्याय अन्याय के कर रहे हो, तो आप सर्वज्ञ की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। और जो सर्वज्ञ की आज्ञा का उल्लंघन करके धर्म काम धर्म अर्थ काम मोक्ष को बाहर में ही साधते हैं, बाहर में ही बाहर की क्रिया में ही कर्तव्य बुद्धि से सारा काम करते हैं, उनको भैया कभी मुक्ति की प्राप्ति नहीं। वो जरूर कहते रहे कि धर्म से बाहर में व्यवहार भक्ति से बाहर में धन दौलत कमाने से परिवार का पालन करने से काम आदि में रत रहने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, या ज्ञान मानता अनंत अन्य सनातन मत में है ऐसा वो मानते रहे, लेकिन मुक्ति कभी होने वाली। अपन भी मानते रहे परिवार का कर्तव्य बुद्धि से अपन काम करते रहे तो अपना भी मोक्ष कभी होने वाला कब होगा? ताना स्वामी कहते रहे प्राप्तम परमेष्टि, प्राप्त हुआ कि नहीं? तो पंच पदों का स्वामी जिसे आप नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायणम, नमो रोय सप्सावणम, प्राप्तम परमेष्टि नमः, वो पंच पदों का स्वामी, वो वीतराग, वो सिद्धात्रे तुम्हें तुम्हारे अंतर में प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? परमेष्टि नमः, उस परम पद को तुमने नमस्कार किया कि नहीं किया? हाँ, वो अंतर मिला कि नहीं हुआ? वो पीतराग परम स्वभाव, वो अपने को अपनी अंतर आत्मा मिला कि नहीं मिला? यदि मिल गया तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों की सिद्धि हो गई। ज्ञान में स्वभाव की साधना को समझ लिया तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब आपके भी सम्यक है। लेकिन याद रखना कर्तव्य तो करना, लेकिन कर्तत्व में पना मत करना। बिना मैं पने के, बिना मैं पने के कर्तव्य हो सकते हैं क्या? किसी सम्यक दृष्टि से पूछो या फिर भगवान से पूछो या फिर कमल से पूछो कि कीचड़ में रह के निर्लिप्त रह सकते हैं क्या? वो बताएगा। कीचड़ से पूछो और कमल से पूछो कि कीचड़ में बदबू आती है, कमल तुम खुशबू देते हो, कीचड़ कुरू बिकती है, तुम सर्व सुंदर दिखते हो, कीचड़ को देखते ही मन उदास हो जाता है, वहां से भगने का मन करता है और तुम हमेशा आनंद में खिले खुले दिखते हो, तुम कीचड़ के साथ ऐसे कैसे रह सकते हो? कोई तुम्हें जोड़ी नहीं जमती। कीचड़ और कमल की जोड़ी जमती नहीं? जमती, जमती कि नहीं जमती? कीचड़ और कमल की जोड़ी जमती कि नहीं जमती? कीचड़ और कमल की जोड़ी नहीं जमती, आप ऐसा कह रहे हो। फिर भी देखो भैया, वो कीचड़ के साथ रहता हुआ कमल
कभी उसे स्पर्श नहीं करता, हमेशा ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर आकाश की ओर देखता है, कभी नीचे पलट के कीचड़ की ओर देखता है नहीं, कीचड़ में कितनी गंदगी। इतना इतना निर्लिप्त न्यारा तो है ही वो, उसमें इतनी निर्लिप्तता तो है ही, लेकिन पलट के भी नहीं देखता गंदगी कितनी है। ऊर्ध्वगमन स्वभाव, ऊपर की ओर ऊर्ध्वोन्मुखी देखता है, इसलिए कमल को कीचड़ के बारे में कोई ज्ञान नहीं, देखते नहीं। उसने एक बार भी पलट के कीचड़ की ओर नहीं देखा, एक बार भी पलट के और बदबू की ओर नहीं देखा, उसने देखा ही नहीं पलट के उसकी ओर। अपन क्या कर रहे हैं? ये कर्म कीचड़ है कि नहीं? ये कर्म कलंक है कि नहीं? कर्म कलंक का ये कर्म कलंक है कि नहीं? ये कर्म कलंक है, ये चार घातिया घातिया आयु नाम गोत्र आदि आदि ज्ञानवर्णी और ये सारे कर्म कलंक है। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं भैया, इन कलंकों को ही पलट पलट के देख रहे हैं कि राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, मैं ही राग कर रहा हूँ, मैं ही द्वेष कर रहा हूँ, मैं ही सब करता हूँ, मैं ही सब बनाता हूँ, मैं ही सब करने धरने वाला, मैं ही सब कुछ हूँ। अब इन कर्म कलंकों को देख रहे हैं, अब कमल की तरह कैसे रहोगे ये तो बता। कमल की तरह तो वही रह सकता है जो इन चलने वाली पर्याय की ओर ना देखे, जिसकी दृष्टि में एकमात्र ऊर्ध्वगमन गमनम चा, एक ऊर्ध्व स्वभाव की ओर जिसकी दृष्टि रहे, वो तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि करके अपने पंच परमेश्वरी पद को प्राप्त कर सकता है। साधन बना के ज्ञान स्वभाव की सार्धम ज्ञानमयम ध्रुवम, अपने शाश्वत ज्ञान स्वभाव की आराधना करके वो तो पंच परम इष्ट पद को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जिसकी रुचि कीचड़ की हो, राग के बिना चैन नहीं मिलता हो, देश के बिना चैन ही ना मिलता हो, दिन रात मोहे में मरे जा रहे हो, भगवान कह रहे हैं एक तरफ दूसरे तरफ कुछ नहीं करता, अरे भैया क्या करें, चिंताएं निकल ही नहीं रही, पुत्र की चिंता, परिवार की चिंता, इंद्रिय विषय की चिंता, इसने ये कहा था, उसने वो कहा था, इन नाना प्रकार के विकार भाव से परिणाम, इन विकार परिणाम से मन हट ही नहीं रहा, मन ही नहीं में लगा हुआ, विभेद ज्ञान कौन करेगा, इस कीचड़ से मुक्त कौन होगा? क्योंकि मुक्त होने वाली तो चेतना ही है, चेतना के अलावा मुक्त होने वाला कोई दूसरा है नहीं। तो आपकी रुचि जब यहाँ नहीं है तो मुक्ति कहां से लाभ होगा? अच्छा बता, क्या वीतराग धर्म स्वीकार करने के बाद कायरता आती है, नपुंसकता आती है, घर गृहस्थी से जी भाग जाता है क्या? यदि भागता होता तो पांच पांडव युद्ध कैसे करते, भरत चक्रवर्ती छह खंड का राज कैसे चलाता, शायद सम्यक दृष्टि है। सीता जैसी सती है अपने पूरे धर्म का पालन कैसे करती, पूरे परिवार को कैसे प्रेम पूर्वक पालती, कभी आपने विचार किया कि यदि धर्म कायर बनाता तो ये सतियां में कैसे अपने जीवन में पूरे जीवन परिश्रम करके, पूरे जीवन साधना करके कैसे अपने परिवार को पाला, कैसे अपने समाज को प्रेरणा दी, कैसे पाला, कैसे कराया। अरे मदालसा जैसी मां ने अपने पूरे के पूरे पुत्र को उसी भाव से निर्वाण ले आ कैसे भेज दिया, एक ही भाव में, कभी विचार किया मैंने, एक ही भाव में गर्भ से ही ऐसी शिक्षा दी कि सारे के सारे साधु होके और सारे के सारे मुक्ति चले। अपन क्यों नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हम अपने तो दुश्मन है ही, अपने जीव में जो संयोग है उनके भी दुश्मन है। यदि कोई थोड़ा बहुत धर्म करने लगे तो अपने को घबराहट होने लगती है, भगवान जी इनका मोह कम हो रहा है हमसे, राग कम हो रहा है, कहीं हमारी दुर्गति ना हो जाए। तो हम अपने पुत्र परिवार के हितेशी नहीं है, हम अपने संयोग में जो जीव रह रहा है अपने पति पत्नी पुत्र जो पुत्र, अपन इनके दुश्मन है। क्यों है दुश्मन? क्योंकि तो अपन में से कोई नहीं चाहता भैया कि ये धर्म में लग जाए, क्यों ये धर्म में लग गए तो हमारा क्या, ये तो चाहते कि हम पति मंदिर आने लगे, प्रवचन सुनने लगे, ये नहीं चाहते कि साधु बन के निकल जाए, कोई नहीं चाहते हमारा पुत्र महावीर भगवान बन जाए, कोई नहीं चाहता, कोई इच्छा नहीं। और भगवान आत्मा जब तक अपने को धर्म की इच्छा नहीं है, धर्म धारण करने की महिमा नहीं पता, धर्म को ग्रहण करने का अतिशय नहीं पता, तब तक धर्म अर्थ और काम और मोक्ष की सिद्धि कैसे करोगे? खुद के लिए भी मोह राग के कारण खुद भी मरे जा रहा है संसार में, और भैया उस मोह राग के कारण सामने वाला जीव भी अज्ञानी है, उसे भी धर्म का ज्ञान नहीं है, तो वो भी आपके आपके साथ मोह राग द्वेष में मरा जा रहा है। भैया दो अंधे क्या जोड़ी है,
दो अंधे अंधेन अंधेन किम किम मार्ग दृष्टांते, ऐसी कहा था नहीं ना, दो अंधों की जोड़ी बन जाए तो फिर क्या होगा, क्या होगा बता दी, अरे दो अंधों की जोड़ी बन जाए तो क्या होगा, में गिरेंगे और एक कल्पनाओं में एक एक दूसरे की कल्पनाओं में एक दूसरे को कल्पनाओं में जीवन जी रहे, एक अंधा और एक आंख वाला तो सही रास्ता पता लग सकता है, इन दोनों ही अंधे हों तो भगवान जी, यदि इस पूरे परिवार में इस पूरे संयोग में यदि एक ज्ञानी हो जाए तो बाकी सबका तो कल्याण होने के चांस है, लेकिन सभी मिथ्या दृष्टि और अज्ञानी हो तो फिर कभी कल्याण होने का कोई काम, एक एक थोड़ा जाग जाए तो फिर दूसरा समझ सकता, लेकिन दोनों ही अज्ञान और मोह में डूबे हो तो फिर कुछ हो सकता है, बता तैयार चले तारण स्वामी के ग्रंथ त्रिविधम ग्रंथ प्रोक्तम च, ये उत्तम पात्र मध्यम पात्र और जगत पात्र की जो चर्चा तारण स्वामी ने इस ग्रंथ में की है वो किस क्यों की है, ये तीन पात्र क्या कर सके, ये तीन पात्र अपनी पात्रता को जान के सार्वम्यान मयम प्रभम अपने अभेद अविनाशी ज्ञान के स्वभाव की साधना करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि करके पंच परमेश्वरी पद को प्राप्त कर सके, स्वानुभूति का जागरण कर सके, इसलिए तारण स्वामी ने ये तारण तारण से आपका चार ग्रंथ ही रच रहा, अध्यात्म के मार्ग को परोस दिया, आचरण प्रदान परोस दिया कि तेरा आचरण तो सम्यक आचरण है और जब तक तू इस आचरण को नहीं अपनाएगा तब तक तेरी मुक्ति नहीं होगी। अब अपन ये बताओ ये तारण तारण से आपका चार अपने को स्वीकार है कि नहीं, ध्यान रखना स्वीकार है तो फिर धर्म अर्थ काम और मोक्ष कौन से कमाए, वो जोड़ना तुम्हारा अर्थ नहीं, वो काम विषय भोग में लगे रहना वो तो नहीं तुम्हारा, वीतराग धर्म जायक स्वभावी आत्मा हो तुम, कर्तव्य का पालन करो लेकिन कर्तव्य तो बुद्धि से नहीं करना तो मोक्ष की प्राप्ति ही हो जाए, मुक्ति अपना सर्वोपरि लक्ष्य है, अपना सर्वोपरि लक्ष्य इंद्रिय विषय वासना नहीं है, अपना सर्वोपरि लक्ष्य ये संसार की आपा धापी नहीं है, अपना सर्वोपरि लक्ष्य ये इंद्रिय विषय वासनाओं की ये जो नाना प्रकार की वासना है ना इनकी तृप्ति करना अपना सर्वोपरि लक्ष्य नहीं है, क्या है मुक्ति, निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव के बल से मैं इस शरीर आदि से भिन्न एक अखंड अविनाशी जायक तक भगवान आत्मा हूं, इस सत्य का बार बार सहकार करना मुक्ति को प्राप्त करने के लिए ललायत रहना ये अपने जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य है, इसके लिए जियो, मेके से जिए भावनाओं से जियो, बार बार इस सम्यक को ग्रहण करने की भावना अपने अंदर में भाव, इस सत्य को इस लक्ष्य को अपने अंदर में स्थापित करोगे और इस धर्म अर्थ काम और मोक्ष की भावना भावोगे तो भगवान आत्मा जीवन उत्तोत्तर ऊपर की ओर उड़ जाएगा, तो कितना ऊपर उड़ जाएगा, प्राप्तम परमेश्वरी नमा, तुम पंच परमेश्वरी पद को प्राप्त कर लोगे और ये सारे जगत के भोले भाले जीव ये तुम्हें नमस्कार करके अपनी मुक्ति का मार्ग बनाएंगे, इतने ऊपर उड़ जाओगे कि परमात्मा हो जाओगे, यही तो जैन धर्म है, यहाँ भक्त नहीं बनाए जाते यहाँ भगवान बनाए जाते, बनाए जाते तो उपचारक कथन है, जीव तो परमात्मा है ही, बस रास्ता दिखाया जाता है, जो उस ज्ञान मार्ग पर निकल जाता है वो अपने शाश्वत स्वरूप को प्राप्त कर ले, यही धर्म है यही अर्थ है यही काम है यही मोक्ष है कि नहीं, हाँ कि ना, अरे हाँ तो फिर क्यों भटक कर ना तो यहाँ बैठे टाइम क्यों बर्बाद कर, सीधी बात है, हाँ तो अभी तक आत्मा की शरत क्यों नहीं आई, अभी तक अपने आत्मा कल्याण की रुचि क्यों नहीं लगी, अभी तक भेद ज्ञान वो तत्व निर्णय को क्यों नहीं कर पाए, यदि हाँ तो यदि ना तो एक आध घंटा और क्यों खराब कर रहे हो, मोक्ष चाहिए नहीं जब शरत नहीं है तो ये समय क्यों खराब कर रहे हो, यदि बताओ मूल आचार ग्रंथ में तो ऐसा कहा है यदि कोई जीव जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी का स्वाध्याय करता है तो वर्तमान में यदि उसे आत्म अनुभव ना भी हो तो भी भविष्य भविष्य में वो शुद्ध केवली होगा ही, लेकिन किसके लिए कहा ऐसा,
जो स्वाध्याय करता है, याद रखना स्वाध्याय का, जो स्वयं के अध्ययन के लिए जनवाणी पढ़ता है, समझ में ना आए, वर्तमान में अनुभव में ना आए, वर्तमान में वैसा आचरण ना हो पाए, जो स्व के अध्ययन के लिए, स्व के लक्ष्य के लिए इस द्वादशांग में जनवाणी का क्या करता है, बार बार विस्तार करता है, बार बार इस शुद्ध ज्ञान की गंगा में स्नान करने का अभ्यास करता है। लेकिन मंद बुद्धि होने से, मंद मति होने से वर्तमान में उसे ये बातें समझ में ना भी आए, लेकिन श्रद्धा पूर्वक उसने स्वाध्याय किया है, तो इसका फल शुद्ध के भी परमात्मा बनने का ही है। स्वाध्याय का इसके अलावा कोई दूसरा फल ही नहीं है। किसके लिए, किसके लिए है ये बात? जो स्वाध्याय जो स्वयं के लक्ष्य के लिए करे उसके लिए है, और जो स्वयं के लक्ष्य के लिए ना करे, जो काला अक्षर भेज बराबर बस, मतलब लिखे तो काले अक्षर है, प्रिंटिंग में तो वही अक्षर निकले ना, नहीं तो फिर क्या मतलब है? अपन एक घंटे टाइम पास कर रहे हैं यहाँ बैठ के, तो क्या मतलब है? टाइम पास ही तो कर रहा है ना, घर में होते टीवी देख के कर रहे होते, मोबाइल चला के कर रहे होते, या चार दोस्तों में बैठे होते भी कथा करके कर रहे होते, और यहाँ जनवाणी की कथा सुन रहे हैं, यहाँ भी तो टाइम ही निकल रहा, समय तो निकल रहा, जीवन का एक घंटा कम हुआ कि नहीं हुआ आपकी जिंदगी का? यहाँ आपने बैठ के एक घंटा निकाल दिया, तो आपकी जिंदगी का एक घंटा कम हुआ कि नहीं हुआ? तो बताओ, ये अपने टाइम पास किया है, यहाँ बैठ के टाइम निकाला है, अपन ने ये एक घंटे बैठ के यहाँ जो टाइम पास किया है, इसका फल जिन्हें थोड़ी बहुत रुचि है। लेकिन देखो, दो दो लोग, दो तरीके के लोग आते हैं। अब एक तो मंदिर आना ही है, बैठना ही है, तो भी आके बैठे, लेकिन जिन्हें वास्तव में तत्व की रुचि है, यदि वो आके बैठे, उनके लिए तो मुक्ति के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं। कोई क्या कहेगा, भैया जी यहाँ है सुना, अच्छा बोलते हैं, चल, बहुत सारे कारण है, और मैंने नहीं तो भैया अब आज हमारे यहाँ के आहार है, हमारे रिश्तेदार के यहाँ के आहार है, तो चल, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन कार्य की सिद्धि किसकी होनी है? हाँ, सही बात है, लोग इसलिए भी आ सकते हैं कि भैया इनकी बात सुनो, इनकी बात सटीक है, तो इनकी बात सुनने के बाद फिर इनकी बातें काट नहीं सकता, ज्ञान ज्ञान बढ़ता है, छह उपशम ज्ञान बढ़ता है, तर्क करने की बुद्धि बढ़ती है, हमारी क्षमताएं बढ़ती हैं, कारण तो बहुत, अपेक्षाओं से कुछ नहीं मिलने वाला, आने वाले तो भीड़ है, लेकिन जिसको उस परम अमृत को पीने की जिज्ञासा है, जो स्वाध्याय के लिए करता है, बार बार क्यों कहते हैं शास्त्र पढ़ो शास्त्र पढ़ो शास्त्र पढ़ो, इस इन शास्त्रों को पढ़ने से अभिप्राय सम्यक होता है, और अनादि काल से जो अभिप्राय संसार का है वो अभिप्राय बदलता है, मोक्ष मार्ग का अभिप्राय बनता है, तो जब जिस ज्ञान का अभ्यास स्वयं के अभिप्राय से अर्थात स्वयं के कल्याण के अभिप्राय से करता है, तो नियम से उसकी मुक्ति, अरे मूल आचार्य ग्रंथ कह रहा है नियम से केवल ज्ञान से प्राप्त होता ही है। लेकिन बात कितनी सी है, लोग भाई समझ में नहीं आता इसे स्वाध्याय नहीं करते, अरे भगवान आत्मा तुम तो स्व में रमण करने के लिए स्वाध्याय करो, समझने के लिए मत करो। एक एक अक्षर अपन मान लो 14 ग्रंथों को पाठ करते हैं, लोग वहां पाठ करते हैं 25-25 बार 50-50 बार पाठ कर चुके, कहते भैया एक भी अक्षर का अर्थ समझ में नहीं आता, भैया हम फिर भी करते हैं, तो वो जिस श्रद्धा से वो जो पाठ कर रहे हैं, जिस अनुभूति के लिए वो जो पाठ कर रहे हैं, 14 ग्रंथों का पाठ करते हैं ना, वो जिस भाव से कर रहे हैं, वो किस भाव से कर रहे हैं भैया, कि हमें समझ में नहीं आ रहा वर्तमान में, लेकिन ये परमात्मा की वाणी प्रमाण है, तो ये जो उनकी रुचि है, ये जो उनका अध्ययन है, ये उनके कल्याण मन में। और भैया आप लोग कहे भैया हम तो पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं, बरसात में पढ़ते हैं, तो उनका कुछ होने वाला था? ये क्रिया वही है, एक मोक्ष कारण है और दूसरी संसार, बस बात इसमें लक्ष्य की है, किसका लक्ष्य,
किस चीज का है? अपना काय का? धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों बात संसार में भी लग सकती है, क्योंकि तो संसारी जितने सोचते हैं कि हमने परिवार को अच्छा पाल लिया और हम स्वर्गों में चले गए, सोलहवें स्वर्ग में चले गए, नारायण के शरण में चले गए तो मुक्ति, ये चारों संसार में भी घट सकते हैं और धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये वीतराग मार्ग में भी घट सकते हैं। अपने कौन सा वाला घटाना? संसार वाला तो घटा ही रहा है अनादिकाल से। अब वीतराग मार्ग में तारण स्वामी जो तारण तारण शाखाचार में निर्वाण की बात कर रहे हैं, यहाँ अपने आत्म की संतुष्टि के लिए घटाना है कि नहीं घटाना है इस अनुभूति को अंदर में? देखो समय हो गया 14 से मध्य विधि का टाइम है, इसलिए यहीं छोड़ना है और आज तिलक नहीं करना है हम तारण तारण श्याम का चार्ज का, क्योंकि चतुर्दशी मध्य विधि हो ही गई है और खल खाते का विशेष जी का तरक होना ही है। कल ही मुक्तानंद जी परिवार की तरफ से प्रसाद भी है और कल अपन इस ग्रंथ का तारण तारण श्याम का चार्ज का तिलक करेंगे और खाते का विशेष जी का तिलक भी करेंगे। आज सभी को करेक्ट 8:30 बजे आना है, पूरे 104 सूत्रों का वाचन एक साथ होगा। अभी तक जो आपने 15 दिन में सुना है वो आपको एक दिन में सुनना है। सबको ग्रंथ लेके टाइम पे आके अपने सामने ग्रंथ रख के पहले से ही बैठना है और जो लेट आए कृपया मौन आके वो पीछे वाली दलान में जाके बैठ जाए। इसलिए सब आए शांति से अपना अपना सांस रखे और समय पे आके बैठे। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। नमस्तु।